अखिल भारतीय मजदूर संघ का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कुरुक्षेत्र में संपन्न हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्यम पंड्या ने कहा कि वर्ष 2025 में संघ के गठन को 70 साल पूरे हो रहे हैं। संघ के 70 साल पूरे होने पर उन्हें देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। इसके लिए आज से ही पदाधिकारियों को प्रयास शुरू करने होंगे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, ऐसे में उनके सामने समस्याएं और चुनौतियां भी बड़ी हैं। संघ के कार्यकर्ताओं को मिलकर इन सभी चुनौतियों को भगाना है। उन्होंने बताया कि देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन होने के नाते ही उन्हें G20 में एक आयाम L20 की मेजबानी करने का मौका मिला है। उन्होंने इस अवसर को स्वीकार करते हुए इसके तहत एक साल में देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। G20 से विश्व के 20 देश जुड़े हैं। उन्होंने इसके साथ 17 अन्य देशों को जोड़कर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहला कार्यक्रम 18-19 मार्च को पंजाब के अमृतसर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री हवा सिंह महला ने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में संघ की इकाई पूरी तरह से मजबूत है। इसके साथ ही 143 खंडों में से 109 में संघ की इकाई गठित है। अब बकाया खंडों में भी जल्द संघ की इकाई का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से शुरू किए गए सम्मेलन में पहले दिन परामर्शदात्री की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद 16 को पदाधिकारी बैठक और 17 से 19 तक केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य सोहन लाल, प्रदेश मंत्री हवा सिंह, देवीलाल, संदीप यादव, नरेश बालू, पंकज यात्रा व ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक 3 दिनों से कुरुक्षेत्र में चल रही है। हमारा सारा राष्ट्र नेतृत्व तो यहाँ है। इस अवसर पर प्रांत के भी सभी पदाधिकारियों की एक बैठक यहाँ रखी गई थी और जिसमें मुख्य रूप से प्रांत के कर्मचारियों के सामने जो समस्या है वो किसी भी सेक्टर के होंगे, ITI के होंगे, NHM के होंगे, शुगर के होंगे, आंगनबाड़ी के होंगे, बिजली के होंगे या किसी और सेक्टर के कर्मचारी होंगे, उनके सामने जो आने वाली समस्याएं हैं, आ रही समस्याएं, उससे कैसे निपटना है, तो इसको लेकर भी एक रणनीति बनी है कि 22 मार्च को पंचकुला में एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ करेगा। दूसरा एक बड़ी रणनीति बनी है, आने वाले 7-8-9 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय अधिवेशन पटना में होगा, उसको लेकर भी एक रणनीति बनी है। और भारतीय मजदूर संघ G20 के अंतर्गत जो L20 का एक आयाम है, वर्टिकल है, उसके अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ को मिली है उसकी अध्यक्षता, तो उसको लेकर भी स्ट्रेटजी बनी है। ऐसे कई सारी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और 22 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे।